राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जानकारी ये है कि आप ने लोबो तो पढ़ा ही होगा, और जो लोबो है उसी के एवज में एक वीडियो बनाना चाहते हैं। अब 56 साल तक 15 जनवरी को ही मनेगी मकर संक्रांति। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये जान लेते हैं। मैंने भी सुना था कि पहले 8 जनवरी को कभी मनती थी, लेकिन आज उसका रीजन पता चल गया है। ग्रहों के राजा सूर्य 15 जनवरी को धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इसके बाद फिर ज्योतिष गणना के अनुसार मकर संक्रांति एक दिन और बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये मैं जान लेता हूँ। क्या होता है कि हर सूर्य की गति चेंज होती रहती है, और वो मकर राशि में प्रवेश जो होता है उनका समय बढ़ता रहता है। तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हमारी ये जो मकर संक्रांति 16 जनवरी को मनेगी। लोग कहते हैं नहीं यार, ये तो हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, हम 14 ही जनवरी को मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस चीज़ जो त्यौहार का जो महत्व है उसी हिसाब से हमें मनाना चाहिए। ज्योतिष गणना के अनुसार मकर संक्रांति एक दिन और बढ़ जाएगी, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन हर वर्ष 16 जनवरी को होगा। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन सुबह 9 बजकर 13 मिनट से हो रहा है। खरमास समाप्त होगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस बार व्यति योग शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि सप्तभिषा नक्षत्र में सोमवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि को देवता का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। ज्योतिषविद दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। ज्योतिषविद मतलब ज्योतिषियों के अनुसार जो आचार्य हैं, हमारे ज्योतिष हैं, उन्होंने हमें उनसे ऐसी जानकारी मिली है। और संक्रांति के दिन साधारण नदी भी गंगा के समान हो जाती है। कहते हैं हमारे जो आचार्य हैं और ज्योतिष हैं, वो कहते हैं संक्रांति के दिन साधारण नदी भी गंगा के समान हो जाती है। 72 साल में बदलती है तारीख। ज्योतिषों के अनुसार हर साल सूर्य के राशि परिवर्तन में 20 मिनट का विलंब होता है। समझे अब दोस्तों, सारी कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। 20 मिनट का जो विलंब होता है, इस प्रकार 3 वर्षों में या अंतर 1 घंटे का हो जाता है। तो वही जो हर 3 वर्ष में 1 घंटे का अंतर हो रहा है ना दोस्तों, तो उसी वजह से ऐसा मतलब हुआ है। 72 वर्षों में 24 घंटे का फर्क आ जाता है। 72 वर्ष जब बीतते हैं तो 24 घंटे का फर्क आ जाता है। सूर्य व चंद्रमा ग्रह मरकरीय होते हैं या पीछे नहीं चलते हैं, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। इस लिहाज से 2008 में ही 72 वर्ष पूरे हो गए थे। हालांकि 6 वर्षों तक सूर्य का राशि परिवर्तन प्रातः काल से होने से सूर्य काल मानकर 15 जनवरी को मनाई जाती थी, मगर इसके पहले सूर्य का राशि परिवर्तन संध्या काल में होता था। अब समझ में आई। इससे पहले जो सूर्य का राशि परिवर्तन था संध्या काल में होता था। 1936 से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती थी। 1936 से मकर संक्रांति। हालांकि 1864 से 1936 तक 13 जनवरी को, और 1792 से 1864 तक 12 जनवरी को मनाई जाती थी। ऐसी कोई आप सोच रहे हो कि ये सब कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जाकर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ये कोई कहानी नहीं है, गणना होती है। जो सूर्य का परिवर्तन होता है हर 72 दिन बाद, मतलब आप ये लगा लो हर 72 दिन में वो
72 दिन नहीं, 72 साल में जो हम सूर्य का जो मकर राशि में परिवर्तन होता है, वो 72 साल में आप ही को ये समझ लो कि चेंज होता है, 24 घंटे का फर्क आता है हर 72 साल में, और हर 3 साल में 1 घंटे का फर्क आता है, हर 3 साल में 1 घंटे का फर्क आता है। और फर्क तो ये 2008 में ही पूरा हो गया था, लेकिन वो जो फर्क था वो धीरे धीरे, मतलब कभी 3 बजे से, कभी 8 बजे से, कभी शाम को, लेकिन अब जो जनवरी 2024 के बाद जो अब जो भी हमारी मकर संक्रांति पड़ेगी, 72 साल तक 15 तारीख की ही पड़ेगी। और ये कोई कहावत ओवत नहीं है, आप इस चीज को गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। मैंने कभी एक बार सुना था अपने बहुत बुजुर्ग आदमी से, उनका अनुभव तो मुझे भी मतलब मजाक लग रहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों को टाला नहीं था, मैंने उनकी बातों को समझा था, मैं चीजों को समझता हूँ। तो वो जो 72 साल थे, वो 72 साल थे, उन्होंने बताया था एक बार कि जो हमारी मकर संक्रांति है वो 8 जनवरी को होती थी। तो मैं इस चीज को माना नहीं, लेकिन अब मुझे, मतलब मैंने बहुत रिसर्च करी है और ये क्यों होता है, ये चीज़ आपके सामने प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो इसके लिए सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और आप 14 जनवरी को दान पुण्य करें। अब आप 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएं, जो मकर संक्रांति का महत्व है वो 15 जनवरी को ही मिलेगा। और कोशिश ये करें मकर संक्रांति के दिन नशे से दूर रहें, तामसिक भोजन ना करें, तामसिक भोजन से परहेज करें, किसी का अपमान ना करें, पेड़ों की कटाई ना करें, और तुलसियों की पत्तियों को ना तोड़ें। अच्छा, राशि के अनुसार दान ये भी मैं बता देता हूँ आज आप लोगों को। मेष, मेष राशि को लाल मिर्च, लाल वस्त्र और मसूर की दाल को दान में देना चाहिए। वृषभ, वृषभ राशि को सफेद तिल के लड्डू, चावल और चीनी दान में देने चाहिए। मिथुन राशि को हरी सब्जियां, मौसमी फल और साबुत मूंग। कर्क राशि को जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र और घी। सिंह राशि को गुड़, चिक्की, शहद और मूंगफली का दान। और अब बात करते हैं कन्या राशि की, जो मेरी भी राशि है कन्या। कन्या मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर जरूरतमंदों को खिलाएं। और तुला राशि, तुला राशि सफेद वस्त्र, मखाना, चावल और चीनी। वृश्चिक, मूंगफली, गुड़ और लाल रंग के गरम कपड़े। धनु राशि पीले वस्त्र, केले, बेसन और चने की दाल। मकर राशि लड्डू और कंबल, काले तिल। कुंभ राशि ऊनी कपड़े, सरसों तेल और जूते चप्पल। मीन पीली सरसों, चने की दाल और मौसमी फल। इन सब चीजों को आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो जानकारी मुझे मिली थी वो मैंने आप तक शेयर करने की कोशिश करी है, और ये कोई झूठ बात या ऐसा कुछ मैंने अपने तरफ से कुछ बनाकर नहीं बोला है आपसे। तो इसको आप करिए फॉलो और कोशिश कीजिए, नेट वगैरह, गूगल वगैरह सर्च कीजिए, आपको मिल भी जाएंगी चीज़ें। ऐसा कोई नहीं है, मजाक में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, जितनी जानकारी थी उस हिसाब से मैंने आपसे शेयर करी है। तो 15 जनवरी को ही मनाएं मकर संक्रांति, जिस जो फ़ायदा होगा आपको 15 जनवरी को ही दान पुण्य करने से फायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल और शुभ रात्रि। चलते हैं जी, जय श्री राम।